नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। कोरोना महामारी में कई क्षेत्र प्रभावित हुए, इसी बीच स्कूलों की बात की जाए तो ये भी चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर स्कूल कब तक खोले जाएंगे या फिर जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है, वो कब तक प्रभावी रहेगा। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आ रही है, दरअसल संभावनाएं तलाशी जा रही है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए और उम्मीद भी जताई जा रही है कि 15 जुलाई से CBSE के जितने भी स्कूल हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ग्रीन जोन में जो स्कूल आते हैं सिर्फ उन्हें खोला जाएगा और इस बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए स्कूल खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं कि जितने भी स्कूल हैं CBSE के अंतर्गत जो आते हैं वो आखिर किस जोन में है। अगर वो ग्रीन जोन में है तो उन्हें खोल दिया जाएगा, लेकिन अगर वो रेड जोन में है तो उस पर समीक्षा की जाएगी। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर स्टूडेंट्स को ऑड इवन पैटर्न पर स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। ऑड इवन पैटर्न स्टूडेंट के रोल नंबर से तय किया जाएगा, इससे एक स्टूडेंट हफ्ते में 3 दिन स्कूल आ सकेंगे। शेष 3 स्टूडेंट को घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना होगा, इसे स्मार्ट क्लास की मदद से पूरा किया जाएगा। स्कूल खोलने के बाद स्टूडेंट के सिलेबस को समय पर पूरा कराने की तैयारी होगी। ऐसे में कक्षा का समय न बढ़ाकर शनिवार को हाफ डे स्कूल को फुल डे कर दिया जाएगा। वहीं 1ली से 12वीं तक के सिलेबस को कम समय में पूरा कराने पर मंथन चल रहा है। इसके लिए शिक्षकों ने एकेडमिक इवेंट को कम कर उसमें पढ़ाई को सुचारू रखने की सहमति दी है। पटना के कई स्कूलों ने कहा है कि CBSE के गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रार्थना को भी बंद कर दिया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद कई बदलाव नज़र आएंगे। स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, इसके साथ ही स्टूडेंट्स को सैनिटाइजर साथ लाना होगा, मास्क भी पहनना जरूरी होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रखने के लिए कुछ दिनों तक मास प्रेशर यानी कि प्रार्थना को बंद कर दिया जाएगा। तो उम्मीदें जताई जा रही है कि 15 जुलाई से CBSE के जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें खोल दिया जाएगा और इस बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया जाएगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फोर नेशन। नमस्कार।